Hello friends, good afternoon, Jai Hind. I welcome you all in this session today. And in today's session, we'll be discussing some more questions related to the general ability test of the NDA exam. तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल एबिलिटी टेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर एनडीए एग्जाम. सो गुड आफ्टरनून शिवानी, प्रशांत, विवेक, दुष्यंत, गुड आफ्टरनून जय हिंद, शशिकांत, गुड आफ्टरनून विवेक, हरिहरन, एस के गेमिंग, प्रीति लगना, बिप्लब, अजीत कुमार, अर्जुन, धवल, गुड आफ्टरनून जय हिंद ऑल, गुड आफ्टरनून जय हिंद पीयूष, दुरेजा. तो क्लास में काफ़ी कैंडिडेट्स मैं देखता हूँ बहुत रेगुलरली आते हैं, विवेक, प्रीति लगना, एस के गेमिंग बहुत रेगुलर है, शिवानी इज ऑल्सो वन ऑफ द रेगुलर कैंडिडेट इन माई क्लास. सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी रेगुलर इन दी सेशन, और इन सेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Whether you are preparing for NDA, CDS, CAPF or any other exam such as AFCAT or INET, these sessions they'll be very useful for you. और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड बकेट लाया हूं क्वेश्चंस की. यहां पर आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री के भी कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं. सो गुड आफ्टरनून रवि, पारुल, रोहित लांबा, सनी, उदित दुबे, मिठू दास, आराधना, अमिकल ग्रेवाल. सो आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस सेशन टुडे. और जल्दी से अब सेशन स्टार्ट करते हैं. सेशन में मैं क्वेश्चंस भी लाया हूं, क्वेश्चंस के साथ उनका एक कंसेप्चुअल डिस्कशन भी करूंगा, एंड दिस विल बी अ ऑल इन ऑल, इट विल बी अ होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द जनरल नॉलेज पेपर ऑफ ऑल योर एग्जाम्स. So whosoever have joined me in this session today, please do like it and share it with your friends. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी से वीडियो को शेयर करें. यस, आराधना इज ऑल्सो अ वेरी रेगुलर कैंडिडेट. नहीं विवेक, एनडीए का एग्जाम बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगा, गवर्नमेंट बिल्कुल इसे क्लियर कर चुकी है, सारे एग्जाम अब कंडक्ट कराए जाएंगे. सो गुड आफ्टरनून जय हिंद ऑल, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस सेशन टुडे, एंड टुडे विल बी मूविंग इंचिंग टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन टू बिकम एन ऑफिसर इन दी आर्म्ड फोर्सेस. क्लियर. अब सेशन स्टार्ट करने से पहले I would like to tell you about our Telegram channel. ये जो Telegram channel है, इसे आप जरूर subscribe कर लें, क्योंकि सभी Telegram channel पर मैं आप लोगों के साथ एक detailed PDF हम लोग share करेंगे of the entire quiz session and every theory session that we conduct on YouTube. Clear? तो ये NDA का ये जो defense exam prep एक Telegram channel है, ये भी आपकी preparation के लिए बहुत जरूरी है. क्लियर. चलिए तो अब जल्दी से क्विज स्टार्ट करते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया, और रेडी है बिल्कुल क्विज के लिए. तब मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन लाने वाला हूं. वीर बहादुर जी बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगा, टाइम पर कंडक्ट होगा 6 सितंबर पर. हां जी बताइए उर्वशी जी, क्या डाउट है आपका? नहीं, एनडीए एग्जाम के पोस्टपोन होने के कोई चांस नहीं है. 6 सितंबर को अपने शेड्यूल डेट के हिसाब से कंडक्ट होने वाला है एग्जाम. क्लियर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम ऑन 4th August 2020. बताइए हु अमंग द फॉलोइंग हैड चेयर्ड द फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम. इज इट ए किरण रिजिजू, बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सी एम वेंकैया नायडू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डी राज्यवर्धन सिंह राठौर. बताइए. अरे बिल्कुल ऋतिक जी, आपको भूले ही नहीं है बिल्कुल अभी तक. चलिए अब आंसर टू दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड, वॉज चेयर्ड बाय श्री किरण रिजिजू. ये जो किरण रिजिजू हैं उनके द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया था. नाउ अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो किरण रिजिजू ही इज द करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके. और ये खेलो इंडिया कैंपेन की जो पहली मीटिंग हुई थी वहां पर और इन्होंने चेयर किया था, ही वॉज इवन हु हैड चेयर्ड द मीटिंग. और यहां पर खेलो इंडिया गेम्स में एनुअल कॉम्पिटिशन जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सभी खेलो इंडिया स्कीम के तहत ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. सो इट वॉज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हु चेयर्ड द मीटिंग एंड ही प्लान्ड फॉर द अपकमिंग प्लान फॉर द एंटायर ईयर रिगार्डिंग दीज यूथ गेम्स. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू.
हैज बीन कंफर्ड विद द प्रेस्टीजियस इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन अवार्ड फॉर द ईयर 2020? इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ए इज इट मोना जैन, बी आशीष बग्गा, सी कालीपुरी और डी विवेक खन्ना। बताइए, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन अवार्ड हैज बीन गिवन टू हूम? ओके, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताइए जल्दी से। इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन अवार्ड। धवल, दीज आर जस्ट ऑप्शंस, दे हैव बीन गिवन टू यू। ओके, सो द करेक्ट रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कलीपुरी। कलीपुरी जो है, आप ही देखते हैं, कलीपुरी, शी इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है, उन्हें इस साल का इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन अवार्ड 2020 दिया गया है। नाउ कलीपुरी, इट हैज मेड इट टू द टॉप अमंग्स द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड मार्केटिंग। उस एडवर्टाइजिंग, एक जर्नलिज्म की फील्ड में, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड में कलीपुरी, शी इज द वन हु मेड इट टू द लिस्ट। और 2020 की एडिशन ऑफ इंपैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट जो है, इट इज प्रोवाइडेड बाय एंड टीवी। एंड टीवी जो है, एंड टीवी ने इसे प्राइज दिया गया है, और इस साल ये 9th अवार्ड दिया गया था। क्लियर? सो फॉर दैट मैटर, द करेक्ट रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कलीपुरी। Now moving on to next question, who has been named as the next Comptroller and Auditor General of India CAG on 6th August 2020? 6 अगस्त 2020 को नए CAG किसे अपॉइंट किया गया है? बताइए, who has been named as the next CAG? अब पहले, अभी तक मैं देख रहा था, काफी कैंडिडेट क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर एनडीए पोस्टपोन होगा, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर एफकेट होगा, सीडीएस होगा, सारे एग्जाम आपने पूछने शुरू कर दिए। देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो एग्जाम पोस्टपोन हो या टाइम पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मुझे कई बार लगता है कि ये डाउट उन कैंडिडेट्स का आ रहा है जिनकी अभी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है एग्जाम की। तो आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, एंड इट इज इमटीरियल व्हेनेवर द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। क्लियर? So the correct response to this question is option number A, Girish Chandra Murmu. अब Girish Chandra Murmu जो है, he has been appointed as the next CAG, Comptroller and Auditor General of India. CAG का जो ऑफिस है, आप ये देखते हैं, that he is the auditing officer, auditor of the government. यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट को ऑडिट करने का जो काम है वो CAG के पास आता है। ओके, यस उर्वशी, दिस सेशन इज वेरी यूजफुल फॉर सीडीएस ऑल्सो। क्लियर? और वो 14th सीएजी अपॉइंट किए गए हैं। अभी इनसे पहले सीएजी थे श्री राजीव महर्षि, हु वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर। ओके, अब इसी के, इससे पहले आप देखते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, गिरीश चंद्र मुर्मू को हटाने के बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं सचिन जी, एनडीए एग्जाम के पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे एंड के? Yes, GC Murmu was the Lieutenant Governor of J&K. Yes, Preeti Lagna, Nikhil, Pushpendra, Ansh, Abhinandan, सभी लोग ये सही बता रहे हैं। क्षितिज ने बिल्कुल सही बताया, शिवानी ने, इट इज मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा हु वॉज अ मिनिस्टर इन दी प्रीवियस मोदी जी की सरकार जो थी उसमें मंत्री थे। लास्ट ईयर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें वो लोकसभा का इलेक्शन हार गए थे मनोज सिन्हा। ओके, एंड नाउ मिस्टर मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अब जीसी मुर्मू जो थे, ही इज ए 1985 बैच आईएएस ऑफिसर। इससे पहले वो मोदी जी के गुजरात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके थे।
Clear. So this office of CAG is a very important constitutional office, and he is the one who audits all the accounts of the government of India. Clear. So ये आपको नाम याद रखने बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बिल्कुल. Clear. So moving on to next question. The union list or the list one is given in which schedule of the constitution of India? Union list or list one जो है वो किस शेड्यूल में दी गई है? ए फोर्थ शेड्यूल, बी सिक्स शेड्यूल, सी सेवन शेड्यूल और डी नाइन्थ शेड्यूल. बताइए इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच शेड्यूल इज द यूनियन लिस्ट और द लिस्ट वन गिवन. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इनकी जो बात की जाती है, दे आर गिविंग गिवन अंडर विच शेड्यूल. I am seeing most of you have not still answered it. Okay, and the correct response is 7th schedule. It is in the 7th schedule of the constitution. Hamare constitution ke 7th schedule mein teen tarah ki list di gayi hai: union list, state list aur concurrent list. Okay, ab union list jo hai, aap log dekhte hain, union list, it is the list of the subjects on which union government can make laws. ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिनके ऊपर स्टेट बना सकती है उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं उन्हें हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं. टोटल आपके यूनियन लिस्ट के अंडर, यूनियन लिस्ट हैज गॉट 100 सब्जेक्ट्स. ओके, स्टेट लिस्ट has got 61 subjects and the concurrent list has got 52 subjects. Clear? तो 100 topic ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, 61 topics हैं जिनके ऊपर सिर्फ state government बनाती है, और 52 topics ऐसे हैं जिनके ऊपर state और union government दोनों कानून बना सकते हैं. नहीं शशिकांत जी, पहले 66 थे, अब वो 61 कर दिए गए हैं. So as of now there are 61 in the state list and 52 in the concurrent list. Clear? अब फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स दी गई है राज्यसभा को, कि राज्यसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए, स्टेट्स की सीट्स कैसे रिजर्व की गई हैं. सिक्स शेड्यूल जो है वहां पर ट्राइबल एरियाज जो है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बताया गया है. एंड इन दी नाइन्थ शेड्यूल इट कंटेन्स दी सेंट्रल एंड दी स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट. ऐसे कानून जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता उन्हें नाइन्थ शेड्यूल में दिया गया है. तो आप सभी को शेड्यूल्स में, देर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द शेड्यूल्स. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नहीं पार्थ रात्रा जी, यूनियन में अभी भी 100 सब्जेक्ट्स है, यूनियन हैज गॉट ओनली 100 सब्जेक्ट्स. India's total area accounts for about what percent of the total geographical area of the world? बताइए. गोविंद जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं दे आर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली. वो प्राइम मिनिस्टर के ही रिकमेंडेशन पर है, अपने डिस्क्रिशन पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे. India's total area accounts for how much? तो यहां पर काफी कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया है. इन दिस मैनर द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर बी, 2.4%. सो टोटल 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर इंडिया, और इंडिया को इसीलिए इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. In which historical text of India silver coins are mentioned as rupee roop? बताइए, in which historical text of India बताइए in which historical text of India
दी सिल्वर कॉइन्स आर मेंशन्ड एज रुपए रूप. इन विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट बताइए. ओके, सो द करेक्ट रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र. अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच वॉज रिटन बाय चाणक्य. ओके, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता था, जो मौर्यन एम्पायर में ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वहां पर अर्थशास्त्र लिखी गई थी बाय चाणक्य. और यहां पर जो सिल्वर कॉइन्स थे देवर मेंशनड एट एज रुपए रूप, वहां पर सिल्वर कॉइन्स को अर्थशास्त्र बुक में रुपए रूप बोला गया था. कौटिल्य ने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया था. आप लोग देखते हैं अपनी ये जो बुक थी कौटिल्य की अर्थशास्त्र, दिस बुक वॉज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसीज. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन दोनों चीजों के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी. क्लियर? एंड इट वॉज इन द बुक अर्थशास्त्र दैट द टर्म रुपए रूप वॉज गिवन. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज द शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत. इनमें से कौन सी प्लेसेज दिल्ली सल्तनत की एक शॉर्ट टर्म कैपिटल थी बताइए. इज इट ए देवगिरी, ओके, अहमदाबाद, जयपुर और कुरुक्षेत्र बताइए. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत. आप अपने आंसर कमेंट करते रहिए और कमेंट करने के साथ साथ जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए. अभी तक देर आर क्लोज टू 110 कैंडिडेट्स वॉचिंग दी सेशन एंड दे हैव स्टिल नॉट लाइक दी सेशन. तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो द करेक्ट रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए देवगिरी. अब देवगिरी की अगर बात करी जाए तो आप लोग देखते हैं दैट देवगिरी वॉज द शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत. और ये जो देवगिरी थी इसे 1327 में इट वॉज मेड द सेकेंड कैपिटल. और आप लोग देखते हैं दैट इट वॉज मोहम्मद बिन तुगलक हु हैड टेकन दिस डिसीजन. तुगलक का ये जो डिसीजन था, कई बार आप लोग बोलते हैं दैट दिस डिसीजन तुगलक, ओके, इट वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल डिसीजन. ओके, ये कुछ खास सक्सेसफुल डिसीजन नहीं रहा था, जिसके बाद तुगलक ने इस कैपिटल को दोबारा से, तुगलक हैज शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ऑल्सो नोन एज दौलताबाद. ओके, और आप लोग देखते हैं कि इस डिसीजन को दोबारा से, जब सक्सेसफुल नहीं रहा तो दोबारा इसे कैपिटल को दिल्ली ही शिफ्ट कर दिया गया था. ओके, अरे बिल्कुल आदित्य कुमार जी, आपका तो नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा. क्लियर? तो आप लोग देखते हैं कि देवगिरी बनाई गई थी दौलताबाद कैपिटल, बट दी फॉर द प्राइमरी ड्यूरेशन इट वॉज ओनली दिल्ली दैट रिमेन्ड द कैपिटल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसे बोला जाता है? ए डलहौजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लॉर्ड रिपन और डी नन ऑफ द अबव बताइए. हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बताइए. सो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन. अब लॉर्ड रिपन को अगर आप देखेंगे, लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, और जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पर विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एंडोर्ड टू लॉर्ड रिपन. दूसरा आप लोग देखते हैं कि लॉर्ड रिपन जो है उसने एक काफी, ही वॉज द वाइसरॉय हु गेव फेवरेबल डिसीजन फॉर इंडिया. सबसे ज्यादा अगर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में फेवरेबल डिसीजन किसी वाइसरॉय ने इंडिया के लिए दिए, देन इट वॉज लॉर्ड रिपन. काफी ऐसे लॉज थे जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे इंडियंस के, वो भी लॉर्ड रिपन ने ही खत्म किए थे, सच एज द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट.
ये भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही रिपील किया गया था. सो लॉर्ड रिपन ही हैड केम अप विद मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट इन द कंट्री. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु एस्टैब्लिश द नालंदा महावीर. नालंदा महाविहार की स्थापना किनके द्वारा की गई थी. महाविहार बोला जाता है, इट इज द प्लेस वेयर इन द मंक्स लिव्ड. ठीक है, जो मंक्स के भिक्षुओं के साधुओं के रहने की जगह थी उसे विहार बोला जाता है. नालंदा महाविहार की स्थापना किन्होंने की थी बताइए. ए कुमारगुप्त, बी देवगुप्त, डी सी स्कंदगुप्त और डी वेदगुप्त. नालंदा महाविहार, सो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त. अब कुमारगुप्त जो है उन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी. इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि ये एक बहुत ही आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट है इंडिया में एंड इट हैज बीन ऑल्सो मेड पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. क्लियर. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसका भी हिस्सा नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी गई थी. एंड नालंदा महाविहार इट इज इन द स्टेट ऑफ बिहार. ओके, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट विद रिस्पेक्ट टू द आर्कियोलॉजी एज वेल एज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया. क्लियर. सो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज कुमारगुप्त. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी थी. ए लोथल, बी राखीगढ़ी, सी धौलावीरा और डी चन्हूदारो. बताइए व्हाट इज द रिस्पॉन्स. विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट. लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो द करेक्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी. अब राखीगढ़ी से पहले कई बार यहां पर राखीगढ़ी जो है इट वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. राखीगढ़ी से पहले धौलावीरा को सबसे बड़ी साइट माना जाता था. बट इन 2014 में जब राखीगढ़ी का एक्सपेंशन पाया गया एंड राखीगढ़ी इट हैड ऑल्सो ड्रॉन अटेंशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूनिकनेस एंड साइज. ठीक है, तो राखीगढ़ी जो हरियाणा में साइट सिचुएटेड है घग्गर हाकड़ा रिवर सिस्टम से के पास, सो दिस राखीगढ़ी इट इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ द टू टाइम्स वैलिडिटी दैट द ग्रेडअप इज ऑफरिंग. ग्रेडअप आप लोगों के लिए 1+1 सब्सक्रिप्शन, 6+6 और 3+3 सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है एंड इट इज अवेलेबल टिल 31st August. ये 31st August तक आप सभी के लिए अवेलेबल है. इसी के साथ साथ आप एनडीए कोर्स के लिए एनडीए एयरफोर्स XY ग्रुप और नेवी SSR AA और SSB इंटरव्यू के लिए आप 2 months का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2700 rupees में ले सकते हैं. 3+3 months इज अवेलेबल ओनली इन 5400 एंड 6+6 months इन ओनली 7200 rupees. इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां 1+1 2 months के लिए इट इज अवेलेबल ओनली इन ₹2700, फॉर 6 months इन ₹4050 एंड फॉर 12 months इन ₹5850. तो एक सब्सक्रिप्शन आपको रिटन एग्जाम और SSB इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन करा सकता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय मेड द ऑगस्ट ऑफर. यहां पर ऑगस्ट ऑफर किस वाइसरॉय के द्वारा लाया गया था. ए इज इट लॉर्ड कैनिंग, बी लिनलिथगो, सी वॉरन हेस्टिंग्स और डी माउंटबेटन. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय मेड द ऑगस्ट ऑफर. ऑगस्ट ऑफर कौन से वाइसरॉय लेकर आए थे. कैनिंग, लिनलिथगो, वॉरन हेस्टिंग्स और माउंटबेटन. So almost every one of you have answered it correctly. It is Lord Linlithgow.
ओके okay? अब वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था उस समय पर ये ऑगस्ट ऑफर की डिमांड की गई थी, ऑगस्ट ऑफर अंग्रेज लेकर आए थे। दूसरा आप लोग देखते हैं दैट लिनलिथ गो ही वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दैट फेस। ओके, यहां पर ऑगस्ट ऑफर जो था इसने प्रॉमिस किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इन्होंने कहा था कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब इसी के अलावा दूसरी चीज इसने बात करी थी डोमिनियन स्टेटस की। अब ये जो डोमिनियन स्टेटस था इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी इंडियंस, क्योंकि यहां पर कांग्रेस कह रही थी हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो इट वॉज लॉर्ड लिनलिथगो दैट हैड ब्रॉट ऑगस्ट ऑफर एंड इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय दी कांग्रेस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Battle of Plassey was fought between whom? Battle of Plassey, जो आप देखते हैं first battle of British conquest in India, ये Battle of Plassey किन किन के बीच में लड़ा गया था? A. अलीवर्दी खान and the British, B. सिराजुद्दौला and the British Army, C. मीर कासिम and the British Army, D. मराठास and the British Army। बताइए। विशाल वर्मा जी, पोस्ट डेटेड चेक जिसे बोला गया था वो क्रिप्स प्रपोजल था। ओके, वो क्रिप्स प्रपोजल था, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, दैट वॉज क्रिप्स प्रपोजल। दी बैटल ऑफ प्लासी, ओके, सो दी करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला एंड दी ब्रिटिश आर्मी। तो यहां पर सिराजुद्दौला ने जब इसे नवाबशिप से हटा दिया गया था सिराजुद्दौला व्हेन ही वाज डिफीटेड। ओके, सो दिस बैटल ऑफ प्लासी इट मार्क्ड द फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने पहला अगर कोई इलाका कब्जा किया तो बंगाल का इलाका कब्जा किया, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया। दूसरी चीज, सिराजुद्दौला, अब ये जो लड़ाई थी इसमें सिराजुद्दौला के दरबार में जो लोग थे जैसे मीर जाफर, मीर कासिम, जो उसके दरबार के ही लोग थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। क्लियर? सो दिस बैटल ऑफ प्लासी इन द इंडियन हिस्ट्री इट इज रिगार्डेड एज अ बैटल विच वॉज नेवर फॉट, जो कभी लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि सिराजुद्दौला पर हमला करने के साथ साथ ही अंग्रेज जीत चुके थे, और सिराजुद्दौला को हराए जाने के बाद फिर मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया था। क्लियर? अब ये जो बैटल था इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वॉज हेडेड बाय हूम? अब इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये काफी आप लोग देखते हैं कि जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भेजा गया था, और इसके हेड कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, बताइए। Who was the chairman of the Indian Statutory Commission? ये आपने नाम सुना है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट नेम आपके सामने मैं लेकर आया हूं। 1928 में सिर्फ एक ही कमीशन आया था, सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन आप देखेंगे, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी उसी के ऊपर बेस्ड था। ओके, सो दिस इंडियन स्टेचुटरी कमीशन इट वॉज हेडेड बाय जॉन साइमन, जिसे साइमन कमीशन भी कहा जाता था, जिसे साइमन कमीशन भी कहा जाता था। ये साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया, और ये जो साइमन कमीशन था इट वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस। ठीक है, यहां पर सभी पार्टीज ने इसे बॉयकॉट किया था, क्योंकि कोई भी इंडियन इस कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया था। ओके, और हिंदू कांग्रेस ने कहा कि आप बिना इंडियन पार्टिसिपेशन के इंडिया के लिए कोई भी रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। कांग्रेस का जो मद्रास सेशन हुआ था 1927 में, उसके प्रेसिडेंट यहां पर थे एम ए अंसारी, इनकी लीडरशिप में यहां डिक्लेयर कर दिया गया था दैट वी विल बी बॉयकॉटिंग द साइमन कमीशन। और आपको अगर ध्यान हो, लाला लाजपत राय ही वॉज द वन हु लेड एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट इन लाहौर, और वहां पर जब लाठीचार्ज कर दिया गया था उसके बाद लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए थे, ही डाइड लेटर ऑन। क्लियर? सो ये साइमन कमीशन एक स्टेचुटरी कमीशन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में लाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who introduced the चारबाग style of architecture in India? इंडिया में चारबाग style of architecture किसके द्वारा introduce किया गया था?
बताइए, चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नहीं पारुल जी, नेहरू रिपोर्ट इंडियंस ने बनाई थी, जो साइमन कमीशन था वो ब्रिटिशर्स ने भेजा था। हु इंट्रोड्यूस द चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? ओके, सो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर ए, मुगल्स। चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स, ये मुगल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा, आप लोग देखते हैं कि जो चारबाग स्टाइल है ये एक पर्शियन क्वाड्रिलेटरल गार्डन लेआउट है। आप लोग देखते हैं पर्शियन एक चौकोर गार्डन जो है वो बनाया जाता था, जहां पर वॉकवेज थे, वहां पर द वॉटर यूज टू फ्लो, ठीक है, पानी के जो था वो भी बहता रहता था। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि चारबाग कंसेप्ट हुमायूं टूम्ब जो दिल्ली में एस्टेब्लिश है वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है, और इसी कंसेप्ट के बाद आप लोग देखते हैं कि ताजमहल में भी यही कंसेप्ट फॉलो किया गया था। सो दिस चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज अ पर्शियन इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्टार्टेड अ सोसाइटी फॉर एनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरिज इन 1866 इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज के खिलाफ आंदोलन किस समाज सुधारक ने स्टार्ट किया था? बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर? जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहे, फाइव मोर क्वेश्चंस, पांच और क्वेश्चन आने वाले हैं आप सभी के लिए। एंड हूसोएवर हैज नॉट लाइक्ड एंड शेयर्ड द वीडियो, प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शास्त्री पंडित। ओके, ये विष्णु शास्त्री पंडित जो थे, आप लोग देखते हैं कि काफी एक मॉडर्न रिफॉर्मर्स रहे, जैसे महादेव गोविंद दानाडे, विष्णु शास्त्री पंडित, डी के करवे, पंडिता रामाबाई, ये सभी एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स रहे थे जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काम किया था। विष्णु शास्त्री पंडित जो थे, ही वॉज द वन हु हैड एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजिंग द विडो रीमैरिज, जिसे आप कहते हैं विधवा विवाह उत्तेजक मंडल। ओके, विधवा विवाह उत्तेजक मंडल जो था वो उनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि इसे विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बोला गया, इसे अनाथ बालिकाश्रम भी बोला गया। आप लोग देखते हैं इसमें विडो रीमैरिज के साथ साथ जो एक ऑर्फन गर्ल्स थी उनके लिए भी एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा, विष्णु शास्त्री पंडित जो थे, एक पुरानी मानसिकता जो थी लोगों की, जो एक विमेन सप्रेशन, विमेन एक्सप्लॉयटेशन की जो मानसिकता थी, उसे खत्म करने में विष्णु शास्त्री पंडित हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? सो दिस, आपको ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं इनके नाम काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्बल्ड टेक्निक इज रिलेटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ हूम? बताइए, कॉर्बल्ड टेक्निक इज रिलेटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ हूम? ए डोम आर्किटेक्चर, बी पिलर, सी गार्डन और डी फाउंटेन। बताइए, कॉर्बल्ड आर्किटेक्चर। पार्थ ज्योतिबा फूले, ही वॉज अ इंपॉर्टेंट, आप ये देखते हैं उन्होंने भी एक जो डिप्रेस क्लासेस थी दलित्स के लिए मूवमेंट चलाए थे। ओके, प्रीतेश जी, राजाराम मोहन रॉय जो है, ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, और आप ये देख सकते हैं राजाराम मोहन रॉय, ही हैड ऑल्सो एक्सटेंसिवली वर्क फॉर द विडो रीमैरिज, ठीक है, जिसके बाद एक विडो रीमैरिज के खिलाफ रिफॉर्म भी ला दिया गया था, इंडिया में कानून बना दिया गया था। क्लियर? चलिए, सो दिस कॉर्बेल्ड टेक्निक, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज रिलेटेड टू द डोम। ओके, अब कॉर्बल्ड टेक्निक में ये एक प्रकार का गेट जो है, ठीक है, एक बहुत ही आर्क के तौर पर डोम्स बनाए जाते थे, ठीक है, और ये जो कॉर्बल्ड टेक्निक थी, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बैलेंसिंग सक्सेसिव लेयर्स ऑफ वॉल्स,
ठीक है, अलग अलग आप कई बार देखते हैं बहुत ऊंचे गुंबद टाइप के एंट्रेंसेस जो बनाए जाते थे, आर्क सेंटर्स, गेटवेज जो बनाए जाते थे, देवर बाय द कॉर्बल्ड टेक्निक एंड इट वॉज फॉर द डोम्स एंड द आर्क दैट वॉज क्रिएटेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग विच एक्ट? बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए ये किस ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के बाद लागू किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, बताइए। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन वॉज इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग विच एक्ट? द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मींस दीज वर सम पार्ट्स, ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी चेंज्ड, बी अमेंडेड, ओके। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल था ये लाया गया था केशव नंदा भारती केस 1973 में, ठीक है। ये केशव नंदा भारती केस जो था, आप ये देखते हैं, इट इज रिगार्डेड एज अ वेरी इट वॉज अ रिमार्केबल जजमेंट, ओके, इट वॉज अ बेंचमार्क जजमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट द पार्लियामेंट हैज गॉट पावर टू चेंज सम और ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहा जाता है कि अल्टीमेटली द अंडरलाइन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, ओके। यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कि जो कोर्ट्स है उनके डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है, जो कोर्ट्स है वो पार्लियामेंट के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, इट वॉज लेड डाउन इन द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके अलावा सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके साथ साथ काफी ऐसे प्रिंसिपल रहे थे विच वर मेड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है संविधान में, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोकास कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स, बताइए। अशोकास कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स? ए मेजर रॉक एडिक्ट, बी रॉक एडिक्ट 6, सी माइनर रॉक एडिक्ट 1 और डी पिलर एडिक्ट 4। बताइए अशोकास कनेक्शन विद बुद्धिज्म, इसमें से किस आर्किटेक्चरल एडिक्ट जो है उसमें देखा गया है, इन विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, बताइए। अशोकास कनेक्शन, सो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर सी, माइनर रॉक एडिक्ट 1। अब माइनर रॉक एडिक्ट 1 जो है, आप इसमें देखते हैं कि जो अशोकन एडिक्ट्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 14 मेजर एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स। जो माइनर एडिक्ट 1 है इट टॉक्स अबाउट अशोकास बिकमिंग अ ले डिसाइपल, जो अशोका भक्त बन गए थे बुद्धिज्म के उसके बारे में बताया गया है। हिज विजिट टू द संघ, संघ ऐसी जगह जहां पर बुद्धिस्ट मंक्स जो थे वो पूजा पाठ थे, वो मेडिटेशन करते थे। सो इट वॉज इन द माइनर एडिक्ट 1 वेर इन दी अशोकन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following person is also known as Kabir of the Deccan? बताइए, which among the following person is known as Kabir of the Deccan? Deccan region, जो एक southern Indian का Deccan region था, उसके कबीर किने बोला जाता था? A बाबा फरीद, B तुकाराम, C निम्बकाचार्य या फिर D एकनाथ, बताइए। Tell me which among the following person is known as Kabir of the Deccan? So all of you who have joined me late, please do like and share the session. काफी important questions आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं, और उसके बाद एक आपको quiz homework question भी दिया जाएगा।
बताइए विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ऑल्सो नोन एज कबीर ऑफ द डेक्कन रीजन। द करेक्ट रिस्पॉन्स इज ऑप्शन नंबर बी तुकाराम। अब आप देखते हैं तुकाराम, संत तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र के रीजन में, ओके, ही वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट भक्ति सेंट। ओके, यहां पर इन्होंने मराठी लैंग्वेज में भक्ति मूवमेंट को फैलाया था। इन्होंने अभंग की बात की गई थी, अभंग देवर दी डिवोशनल पोएम्स एंड कीर्तन्स विच वर डिवोटेड टू गॉड विठल। ओके, जिसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि संत तुकाराम जो थे उन्होंने रिलीजियस हार्मनी, सभी एक कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस जो है उन्हें खत्म करना, हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में हार्मनी, एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी थी वो संत तुकाराम के द्वारा मराठा महाराष्ट्र के इलाके में बहुत अच्छे तरीके से फैलाई गई थी। सो दस संत तुकाराम ही इज रिगार्डेड एज दी कबीर दास जी ऑफ दी डेक्कन रीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 19th century Farazi movement in East Bengal developed under the leadership of whom? Farazi movement जो था जो 19th century में start हुआ वो किनकी leadership में start किया गया था? A. Titu Rai, B. Haji Shariatullah, C. Shah Sayyid Ahmad और D. Dwadu Mia। बताइए The 19th century Farazi movement in Eastern Bengal developed under the leadership of whom? Who started the Farazi movement? Okay, so the correct response is option number B, Haji Shariatullah. Haji Shariatullah जो थे वो एक 19th century में ही, it was a Persian movement that was started, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो practices थी they were also started by Haji Shariatullah and it was a revivalist activities for Islam. Islam की जो revivalist activities थी उनसे related ये शुरू किया गया था। यहां पर हाजी शरीयतुल्लाह ने ये मूवमेंट 1819 में स्टार्ट किया था एंड ही हैड अबेंडन्ड, उन्होंने कहा था कि जो पुराने रीति रिवाज हैं इस्लाम के वो छोड़ दिए जाने चाहिए, ठीक है, और एक हार्मोनियस एनवायरमेंट जो है उसे शुरू करो। इसी के साथ साथ ही हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स, जो किसान, जो पट्टे पर जमीनें दी जाती थी किसानों को, उनके लिए भी इन्होंने अपना फेराजी मूवमेंट चलाया था। तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ ये एक सिविल अपराइजिंग के तौर पर भी फैराजी मूवमेंट देखा गया। क्लियर। तो अभी तक आज के सेशन में मैंने बहुत एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। नाउ द होमवर्क फॉर यू, अब आपके लिए आज का सवाल है, विच मुगल एम्परर इज एट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैंक ऑफ जाट एंड सवार। बताइए किस मुगल एम्परर ने जाट और सवार की रैंक क्रिएट की थी? अब यहां पर आप आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। ओके, प्लीज डू मार्क योर रेस्पॉन्सेज, आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में आंसर देना है एंड लेटर ऑन विल गिव यू द आंसर इन द आंसर एज योर रिप्लाई। क्लियर। सो विच मुगल एम्परर इज एट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैंक ऑफ जाट एंड सवार। सो आई होप आज आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड प्लीज डू कमेंट अस एज टू ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट टू हैव मोर सेशंस। आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए अगला सेशन लेकर आऊं, तो मैं अपना अगला सेशन आप ही की डिमांड पर लेकर आऊंगा। क्लियर। सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्रेप स्मार्ट, स्टडी सेफ, गो ग्रेड अप। जय हिंद।